नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप? ओके, मैं आज फिर आपके लिए पेंटिंग लेके आया हूँ जो कि स्टेयरकेस पे है, यानी कि स्टेप्स के पास है। आप देख सकते हैं ये स्टेप्स बने हुए हैं। कस्टमर की रिक्वायरमेंट है यहाँ पे एक पेंटिंग बनाने का, जिसका थीम है राजस्थान, और ये मोस्टली लाइन आर्ट का काम है जिसको हम लाइन से खाली ड्राइंग के ऊपर बनाते हैं। प्रॉपर काफी अच्छा काम होने वाला है, मैं चाहता हूँ आप मेरे साथ बने रहिए। और मैं स्पेशली वीडियो बना रहा हूँ ड्राइंग के ऊपर, क्योंकि आप लोग मुझे कमेंट करते हो कि आप ड्राइंग के बारे में भी बताइए, तो मैं इसलिए ड्राइंग के ऊपर बना रहा हूँ। और उसके बाद मैं ड्राइंग के ऊपर जब लाइन आर्ट करूंगा उसके बारे में भी आपको बताऊंगा, लेकिन ये वीडियो सिर्फ ड्राइंग के लिए है। मैं चाहता हूँ कि आप ड्राइंग को भी अच्छी तरह समझें। और मैं अभी ड्राइंग शुरू कर रहा हूँ, और ये वाली फोटो है जो मुझे बनानी है, ये वाली। ठीक है, सबसे पहले देखना यही होता है कि ये मैंने जो खांचा बनाया हुआ है ऑलरेडी, ये कस्टमर के पास एक जरोखा है जो वो चाहता है कि वो ड्राइंग में जाए और ड्राइंग के साथ वो मर्ज हो जाए। ठीक है, जरोखा वुडन का बना हुआ है, बहुत अच्छा है, लेकिन हमें उसके बाजू में आजू बाजू में कुछ स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा बिल्डिंग का, जैसे वो जरोखा उस बिल्डिंग का ही हिस्सा है। तो मैंने उसका जो खांचा निकाल लिया है जरोखे का, और ये वाली जो ड्राइंग है इसके ऊपर ही मैं काम शुरू करने वाला हूँ। देखते हैं, ये सब मैंने जैसे बताता हूँ हमेशा के अंदाजन से ही होता है। इमेजिनेशन आपको पहले माइंड पे ये पेंटिंग बनी होनी चाहिए, तभी आप उसके ऊपर काम कर सकते हो। मैंने जो इस पे बनाना है वो मेरे माइंड पे ऑलरेडी बन चुका है, मुझे बस इसको उतारना है दीवार पे। मुझे पता है कि ये वाली ड्राइंग मैं कैसे करूँगा, कहाँ पे करूँगा और कितनी करूँगा, उसके बाद कौन सी आएगी, उसके बाद कौन सी आएगी। ठीक है, चलिए बने रहिए तब तक मेरे साथ, मैं ये शुरू कर रहा हूँ ड्राइंग। शुरुआत में मैं यहाँ पर एक सेमी सर्कल लगाना चाहता हूँ, जो कि बिल्कुल सही चक्कर लग गए, सेमी सर्कल लग गए। और लाइन आर्ट में ये चीज बहुत इम्पोर्टेंट होती है कि ड्राइंग परफेक्ट होनी चाहिए, तभी आप लाइन आर्ट के ऊपर काम अच्छा कर सकते हैं। हमेशा ड्राइंग में परफेक्शन, चाहे ज्यादा टाइम चले जाए लेकिन ड्राइंग में परफेक्शन जरूर रखिए। हाथ साफ होता है ड्राइंग करने से, अगर आपका हाथ साफ होगा तो पेंटिंग करना भी आपके लिए उतना आसान होता जाएगा, आपकी हाथ की सफाई जो पेंटिंग करने में बढ़ती जाएगी। ये हो गया, और उसके बाद मुझे यहाँ पे ये जो रोखा जो हमारा आ रहा है, ये जो आ जाएगा, ये मेरा एक सेमी सर्कल हो गया। ये काफी मुश्किल होता है स्टेज बेस पे काम करना, लेकिन क्या है, करना पड़ेगा, ऐसे काम मिलते रहते हैं कभी ना कभी। अगर आपको कहीं खराब लगे तो आप हाथ से रब कर सकते हैं, जैसे मैंने आपको बताया ये वाले चौक हम यूज करते हैं, तो आप हाथ से भी उसको रब कर सकते हैं या फिर कपड़े से कर सकते हैं। सेंटर का ध्यान रखना है, ये चीज सेंटर है, वो चीजें हमेशा माइंड में रखनी है, ये सेंटर के हिसाब से हम चलते हैं। अभी आप देख सकते हैं कि मैंने इसका जो बनाया हुआ है, ये हो गया है हमारा फिनिश, ये वाला पार्ट। इसके अंदर की कुछ डिटेलिंग है जो मैं वैसे तो ब्रश से करूंगा, लेकिन आपके लिए मैं ये जरूर बताना चाहता हूँ कि ऐसे करके कुछ ना कुछ डिजाइन आने वाले हैं इसके ऊपर, जैसे जैसे ये डिजाइन बनाते रहेंगे। लाइन आर्ट में हमेशा परफेक्शन चाहिए, याद रखिए। दूसरी पेंटिंग्स में जहाँ कलर फील होने वाले हैं, पूरी जो पेंटिंग है जहाँ कलर आने वाले हैं, जहाँ पर पता है कि ड्राइंग कवर हो जाएगी, वहां पर आप थोड़ा 1921 कर सकते हैं, और उसके बाद पेंट से ड्राइंग में 1921 हो सकता है, पेंटिंग में तो उसमें भी नहीं होता, तो उसमें क्या है कि आप पेंटिंग से उस चीज को सही कर सकते हैं, लेकिन लाइन आर्ट में आपकी ड्राइंग परफेक्शन होनी चाहिए। अभी ये वाला हिस्सा मेरा ऑलमोस्ट सही हो गया है, इसको मैंने बना लिया है। अभी यहाँ पर मेरी लाइंस आएंगी, मैं आपको एक लाइंस खींचने का भी तरीका बताता हूँ, कई लोगों को पता होगा वो चीज का, लेकिन मोस्टली लोगों को पता नहीं है कि हम सीधी लाइन बड़ी कैसे खींच सकते हैं। ओके, वो होता है धागे से लाइन खींचना, ये काफी इजी होता है एक लंबी लाइन खींचने के लिए, जितने आप हो जैसे 5 फीट तक की या 5.5-6 फीट तक की आप एक बड़ी लाइन खींच सकते हो इससे, जहां तक आपका हाथ जा रहा है। ठीक है, ये बहुत ही आसान होता है, लेकिन मोस्टली लोग जो नील होता है जो कपड़े पे मिलाते हैं उसके साथ करते हैं, लेकिन मैं सजेस्ट करूंगा ये चौक के साथ भी आप कर सकते हैं,
ये देखिए जैसे ये धागा है, इसको मैं इधर रख देता हूँ। धागा गीला नहीं होना चाहिए, ये चीज का ध्यान रखिए। और यहां पर से जैसे ये वाले पोर्शन को ऐसे सबसे छोटी उंगली पे ऐसे ऐसे करके घुमा लेना चाहिए, थोड़ा सा घुमा के रखेंगे तो आपको ये चीज ऐसे पकड़ने में आ जाएगी। आप समझ रहे हैं ये चीज को, ऐसे पकड़ने में आ जाएगी। उसके बाद इसके ऊपर ये वाला जो चौक है इसको ऐसे करके चला देना। एक बार चलाएंगे तो भी चलेगा, ऐसे दो बार चलाएंगे तो भी चलेगा। और उसके बाद आपको यहाँ पे लाइन खींचना है, लेकिन वो जो लाइन है 180 डिग्री यानी कि 180 डिग्री के लेवल पे होनी चाहिए। जैसे आपको पता होना चाहिए कि सीधी है, ऐसा नहीं कि यहाँ से ऊपर है यहाँ से नीचे है, वहां से ऊपर यहाँ से नीचे। वो चीजों में आपको ध्यान रखना है, ऐसे पीछे करके थोड़ा सा एक सही एंगल करके ऐसे करके आप ये लाइन खींच सकते हैं। आपने देखा ये काफी इजी है, और ऐसे आप इसको कंटिन्यू भी कर सकते हैं। जैसे मैं इस तरफ जाता हूँ, जैसे मैं अभी आगे भी बढ़ना चाहता हूँ, तो मैं इसी चीज को ऐसे करके एकदम से सीधी लाइन खींच सकता हूँ। ऐसे हम बड़ी से बड़ी लाइन भी खींच सकते हैं। अगर बहुत बड़ी लाइन हो जहां पर आपका हाथ नहीं जा रहा, तो वहां से आप किसी और पर्सन को ये वाला हिस्सा पकड़ा के ऐसे चौक मारकर उसके ऊपर लाइन खींच सकते हैं। ठीक है, ये हमारी एक लाइन हो गई है। अभी मुझे एक और लाइन खींचनी है। अगर आपको और भी थोड़ा सा कफ लग रहा है कि सीधा है या नहीं, तो आप मेजरमेंट टेप से भी उस चीज को हल कर सकते हैं, नीचे से लेके या फिर कहीं से भी लेके उसका एक सही माप ले सकते हैं। मैं लेकिन ऐसे ही कर लेता हूँ। जैसे मैं अभी एक और लाइन खींचूंगा, तो जैसे मैं आपको बताता हूँ, ये चाक छोटा हो गया है, ये देखिए। अभी ये भी चीज सीखने वाली है, आप जरूर सीखिए। मैं चाहता हूँ कि आपको ड्राइंग की डिटेलिंग और टेक्निक्स पता चले जाए। अभी ये मैंने चाक पकड़ा है वापिस, और इसको मैंने यहाँ पर कैसे भी पकड़ लिया है, और यहाँ से मैं हाथ से या अंदाजन से मुझे जितना चाहिए एक लाइन लगा लूंगा ऐसे। ठीक है, ये चीज ऐसे ही पकड़ के रखनी है, और फिर वहां पर भी जैसे निशान लगाया वहां पर भी लगा देना है। ये आपको बराबर लेंथ यहाँ से और यहाँ से मिल जाएगी, तो आप इस चीज को कंटिन्यू कर सकते हैं। ये देखिए लाइन बराबर आ गई, ये हाथ मैंने ऐसे रखा हुआ है, ये मारा, ये निशान, ये भी बराबर का है दोनों तरफ से, प्रॉपर होगा, कभी जरूरत नहीं पड़ती उसको मेजर करने की। ठीक है, ये हो गया मेरा एक पार्ट। एक लाइन मुझे और मारनी है यहाँ पे, वो भी मैं अंदाजन से इसको ऊपर ले लेता हूँ, छोटे छोटे तो मैं इससे मार ही लेता हूँ बिना किसी मेजरमेंट टेप से। मेरे दो हो गए, और एक मुझे नीचे मारना है। नीचे मारने के लिए भी सेम टेक्निक है, आप ये वाला हिस्सा वहां ले जाइए, और नीचे कितना करना है आप अंदाजे से यहाँ पे लगा दीजिए निशान, यहाँ से ये लगाया, और यहाँ से भी ये लगा, यहाँ पर भी मैं बॉटम में एक लाइन खींच लूंगा। ये अभी स्ट्रेट लाइंस मैंने ऐसे खींच दी है। अभी मेरे को ऊपर से नीचे, ऐसे हम लोग जैसे चाहो तो ऊपर से नीचे लाइन भी खींच सकते हैं। ये वाली लाइन जो होती है वो 180 डिग्री की होती है, जो ऊपर से नीचे स्ट्रेट लाइन होती है वो 90 डिग्री की होती है। आपने स्कूल में पढ़ा होगा, तो आपको वो चीज का ध्यान रखना है। मुझे यहाँ पर एक लाइन चाहिए जो कि मेरे जरोखे के बराबर यहाँ पे चाहिए, ये हिस्सा यहाँ पे हो गई, यहाँ पे ये हो जाएगी हमारी 90 डिग्री की। एक बार खुद भी देख लीजिए, आपको एंगल से पता चल जाता है। ये देखिए ये सीधी लाइन हो गई, सीधी, ये देख रहे हैं आप, इट्स इजी, आप कर सकते हो, आप कोशिश करो आप कर सकते हो आराम से। ठीक है, अभी यहां से फिर मुझे वही चीज वहां पे दोहरानी है। ये मैंने ले लिया साइज, ये साइज मैंने ले लिया यहां से और यहां से, ये दो लाइन मैंने इसलिए लगाई है कि मुझे दोनों लाइनों को बराबर ऐसे ऊपर से नीचे लाइन। ये बॉक्स हमारा रेडी हो गया। ये देखिए अभी मैं बाकी का देखता हूं मुझे कहां कहां और चाहिए लाइन। ये लाइन मुझे थोड़ी बढ़ानी पड़ेगी थोड़े से यहां पे, और वैसे ही ये वाली लाइन भी मुझे बढ़ानी पड़ेगी थोड़ी सी यहाँ से यहाँ तक। अभी आगे हाथ जा नहीं रहा, नीचे कुछ रखना पड़ेगा, क्योंकि जैसे जैसे मैं आगे बढ़ता हूँ उधर स्टेप नीचे हो जाते हैं। ये वाली मेन बॉक्स बन गया है, अभी मैं बाकी की ड्राइंग कर रहा हूँ। ठीक है, A
few moments later. अभी मैं ये वाला पोर्शन का ड्राइंग कर रहा हूँ. मैंने लाइंस वगैरह खींच ली हैं, जैसे मैंने आपको बताया था आगे से जहाँ जहाँ लाइंस आनी थी मैंने खींच ली है, वो वाला पोर्शन मैंने कर दिया है और उसी का सेम यहाँ पे आने वाला है. मैं वो भी करने जा रहा हूँ. ऐसा जरूरी नहीं है कि आपको सिर्फ धागे से ही लाइंस खींचनी है. वो बड़ी लाइंस हो तो आप धागे से खींच सकते हैं. छोटी छोटी जो लाइंस हैं, जैसे ये वाली सीधी लाइन है, तो आप हाथ से भी खींच सकते हैं. हाथ से खींचेंगे तो आपके लिए ज्यादा बेटर है, क्योंकि आपका वही चीज पेंटिंग करने में भी आती है. जब आप हाथ से सही लाइन खींच सकेंगे तो आप पेंटिंग करते वक्त भी ब्रश से सही लाइन खींच सकेंगे. सेम चीज रखनी है ऐसे ही, वही जैसे मैंने आपको 180 डिग्री और 90 डिग्री की लाइंस के बारे में एक वीडियो में बताया है, जहां पर मैंने बेसिक ड्राइंग के बारे में बताया था. अगर आपने उसको नहीं देखा तो मैं ऊपर एक बटन दे दूंगा, आप वहां पर जाकर विजिट जरूर करना. ये भी एक आगे ड्राइंग मेरी, ये बॉक्स आ गया और यहाँ पर एक बॉक्स आएगा. ऑलमोस्ट ये वाली लाइन के बराबर ही रखना है. मैं मोस्टली हाथ से ही ऐसे साफ कर लेता हूँ, आप चाहो तो कपड़े से भी कर सकते हैं, जैसे आपको कंफर्टेबल है. जब तक आपको लगे कि लाइन ठीक नहीं है, तब तक मिटा मिटा के बार बार कीजिए. ऐसा नहीं है कि हाँ बाद में मैं ठीक कर लूंगा या फिर मैं ब्रश के साथ कर लूंगा, ऐसा नहीं. उस लाइन को परफेक्ट करने के बाद ही आगे बढ़िए. ऐसे ही एक ड्राइंग परफेक्ट बनती है हमेशा. अभी ड्राइंग हो गया है ये वाले पोर्शन का, और अभी लेकिन कस्टमर कह रहे हैं, कस्टमर का माइंड चेंज होता रहता है, ये चीज आपको एक्सपीरियंस हो जाएगी कि हमें कॉपर शेड कहीं ना कहीं चाहिए. बहुत ज्यादा मात्रा में नहीं, क्योंकि मेन लाइन आर्ट ही रहेगा, लेकिन लाइन आर्ट में आप 10-20% कहीं ना कहीं कलर फिल कर सकते हैं, वो भी अच्छे लगते हैं. तो कस्टमर बोल रहा है कॉपर शेड चाहिए कहीं ना कहीं, क्योंकि उनका जो जरोखा है वो कॉफी शेड का है. कॉफी या कॉपर शेड मैचिंग करके कहीं पर आप बना लेंगे, तो अभी मैं उसके ऊपर काम करूंगा. पहले मैं कलर फिल करूंगा, फिर लाइन आर्ट करूंगा. ओके, मैंने अभी ये बेसिक शेड बना लिया है. ये प्रॉपर कॉपर शेड नहीं है, क्योंकि प्रॉपर कॉपर शेड हम नहीं लगा सकते डायरेक्ट, नहीं तो फिर वो कवरिंग में बहुत इश्यू आता है. और ये मैंने एक बेसिक शेड, जो एक्रेलिक कलर में हमेशा कहता हूँ, वो मैंने यूज करने के लिए ये शेड बना लिया है एक्रेलिक कलर से. ये बेसिक करूंगा और यहाँ जहाँ आएगा, आप चाहो तो पहले थोड़ा सा कपड़ा मार सकते हैं, और आप चाहो तो पेंसिल से ड्राइंग पक्की करने के बाद भी कलर फिल कर सकते हैं. मैं पहले सिंगल कोट कर रहा हूँ, इसलिए मैं कपड़ा नहीं मारूंगा चौक पे ड्राइंग पे. जब सिंगल कोट मेरा हो जाएगा, डबल कोट करने से पहले मैं इसके ऊपर एक कोट, इसके ऊपर मैं कपड़ा जरूर मारूंगा, फिर डस्ट निकाल के डबल कोट करूंगा फाइनल जो होता है. मैंने राउंड ब्रश लिया है, आप चाहो तो फ्लैट ब्रश से भी ऐसा कर सकते हैं. मेरी टेक्निक ये कहती है कि फ्लैट ब्रश जो होता है वो कम कलर उठाता है, और जो राउंड ब्रश होता है वो ज्यादा कलर उठाता है, तो उससे कोटिंग ज्यादा बेटर आ जाती है. अभी आप देख सकते हैं कि मैंने ये जो बेस है, जहां जहां आना है अच्छा लगेगा वहां वहां बना दिया है. ये रॉयल लग्जरी एशियन पेंट का पेंट है, इसको कॉपर शेड बोलते हैं. काफी अच्छी शेड होती है, तो आप ऐसी शेड को यूज कर सकते हैं. कॉपर, गोल्डन और सिल्वर जैसी शेड्स आती हैं. अभी सेकंड कोट से पहले मैं हल्का सा कपड़ा मार दूंगा, क्योंकि मुझे चौक नहीं चाहिए मेरी पेंटिंग के बीच में ना. जहां जहां मैंने कलर किया वो वहीं से. अभी डबल कोट में कर रहा हूँ करीब करीब आधे घंटे के बाद, क्योंकि आधा घंटा उसको सूखने में टाइम जाता है. ये शेड है, इससे वो कवरिंग थोड़ी इसकी अच्छी आ जाती है.
डबल कोट तो इसको भी करना पड़ेगा, लेकिन अच्छी कवरिंग आ जाती है। नहीं तो आप चाहे चार कोट कर लो, अगर डायरेक्ट मारेंगे तो कवरिंग अच्छी नहीं आती। ओके गाइस, अभी आप देख सकते हैं जो कलर था, जहां जहां मैंने आइडिया से भर दिया है ये वाले पोर्शंस में, एक कॉपर शेड बन गया। अभी मैं ये बिल्डिंग को फाइनल कर रहा हूँ ब्लैक कलर के साथ, जो कि लाइन आर्ट में मोस्टली यूज होता है, उसके साथ ही मैं शुरू कर दिया। ये मैंने ब्रश लिया है राउंड और ब्लैक कलर ले लिया एक्रेलिक, और ये हमने कर दिया अपना काम शुरू। देख सकते हैं कि मैंने लाइंस का काम शुरू कर दिया है, और ये भी अभी बेसिक वर्क ही है, और बेसिक लाइंस का काम जैसे ही हो जाएगा फिर हम उसके ऊपर जो छोटे-छोटे डिजाइंस हैं उनके ऊपर काम करेंगे। अच्छा, एक और बात मैं कहना चाहता था कि जैसे आपने देखा यहाँ पे कि हमने पहले चौक से ड्राइंग किया है, और उसके बाद हमने बेसिक काम किया है, और फिर मैं ब्लैक कलर से आउटलाइनिंग कर रहा हूँ। आपको ये चीज का ध्यान रखना है कि आप चाहो तो पेंसिल से भी कर सकते हो ड्राइंग। जैसे ये चौक से ड्राइंग करने के बाद ये वाली ड्राइंग को आप चाहते हो तो आप इसको पेंसिल से भी पक्का कर सकते हो और उसको चौक को मिटा सकते हो, ठीक है। और सेकंड थिंग, एक और बात, कभी भी ऐसा नहीं करना कि बेसिक कलर करने से पहले आउटलाइनिंग कर लेना है और उसके बाद बेसिक कलर उसके बीच में फिल करना है, ऐसा नहीं करना, इससे आप परेशान हो जाओगे। सबसे बेस्ट होता है, जैसे ये वाला पोर्शन आप देखो मैंने कैसे बेसिक भरा है, इसके ऊपर मैं ब्लैक कलर से आउटलाइनिंग कर रहा हूं। ये चीजों का थोड़ा टेक्निकल बातें हैं, आप ध्यान रखना चाहिए, ठीक है। अभी आप देख सकते हैं आउटलाइनिंग चल रही है, डिटेलिंग का काम नहीं है, और आप ये नोटिस करेंगे जैसे जैसे मैंने ये ब्रश वगैरह मारे हुए हल्के हल्के, इसलिए मारे कि ये सारा पैच ऐसे ब्लैक कलर आने वाला है। तो मोटे ब्रश से करूंगा उसको, ये बारीक ब्रश है आउटलाइनिंग के लिए, इसके बाद यहाँ पे सारा ब्लैक कलर आ गया। आप ऐसे मार्किंग कर सकते हैं कि ये पोर्शन आपका ब्लैक आएगा, ऐसे छोटी छोटी मार्किंग कर सकते हैं, और ऐसे ही ड्राइंग यहाँ पे आएगी ये वाले पार्ट में, फिर वहां पे ऊपर तक आएगी, ये सारा पार्ट यहाँ से लेके यहाँ तक बनने वाला है, ये हिस्से में भी ड्राइंग आएगी। मैंने सोचा कि क्यों ना मैं पहले ये आउटलाइनिंग का काम कर लूं, ये बिल्डिंग मेरी फाइनल है, तो ऐसे ऐसे एक एक बिल्डिंग फाइनल करके बेसिक सारे का फाइनल होने के बाद इसके ऊपर फिर मैं डिटेलिंग का काम करूंगा। जैसे मैंने आपको बताया, जैसे ये डिजाइन ऑलरेडी बना हुआ है, इसके अंदर कुछ ना कुछ वो डिजाइन आने वाले हैं, यहाँ पे इवन के ये वाले जो बड़े बड़े लाइन है इनके अंदर भी डिजाइन आने वाले हैं, बनाएंगे आप, बने रहिए हमारे साथ। अभी ये वाला ब्रश लिया मैंने फ्लैट, ये पैच बनने के लिए, जैसे मैंने बाहर आउटलाइनिंग किया हुआ था अंदर कलर भर लिया था ऐसे। अभी आपने देखा कि मैंने लाइनिंग का काम सारा कर लिया, तो उम्मीद है आपने कुछ सीखा होगा इस वीडियो से, कैसे मैंने ड्राइंग किया, कैसे मैंने उसको एक लाइनमेंट में सारा लाइन आर्ट किया है। ये इनकम्प्लीट है, और इसका मैं एक दूसरा पार्ट बनाऊंगा जिसमें हम इसकी डिटेलिंग, इसमें एक फिगर आने वाली है महारानी की, ये सब चीजें बनाएंगे, ठीक है। तो मिलेंगे अगले पार्ट में, और आप इस चीज की रिहर्सल जरूर करना, तभी आप एक अच्छे आर्टिस्ट बन सकते हैं। चलिए, नमस्कार।